अस्सलामुअलैकुम, मेटा स्टोरीज के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ लायबा आदिल। कामयाबी के राज के इस एपिसोड में जिन खातून की हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने हुनर को पहचान कर अपने लिए एक रोजगार बनाया और अपने खानदान वालों के लिए एक वसीला बन गई। महम एक हाउसवाइफ हैं, उन्होंने अपना कारोबार, खुद का कारोबार साका फूड वेंचर्स के नाम से शुरू किया, मगर इस कारोबार को परवान तब चढ़ा जब उनके शौहर ने शाना बशाना माहम की मदद करी। ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्हीं के सपोर्ट की वजह से समझ लें साका फूड जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। अरेंज भी ऐसी अरेंज थी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। डेढ़ साल हमारी मतलब मंगनी लगी रही, लेकिन हम लोगों ने ना फोनों पे बात की और ना इस तरह। तो डिलीवरीज वगैरह मैं देखता हूँ, कुकिंग साइड ये भी। शुरू हमने इस तरह किया था कि मेरे हस्बैंड फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करते थे, अचानक इनकी जॉब चली गई थी, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, फिर आपको पता है फिर रेंट पे रह रहा हो बंदा तो और ज़्यादा मस्ते होते हैं। तो बाहर जाके मैं कर नहीं सकती थी जॉब, के बच्चा छोटा है तो फिर घर भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस ये सोचा कि घर में ही रहते हुए कुछ करना चाहिए, अपना करना चाहिए, कि किसी के अंडर में बंदा ना करे, अपना करे। सारे खाने अच्छे बनाती हैं, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, सबसे बेस्ट है इनकी ढाबा कढ़ाई। अक्सर लोग हमसे यही पूछते हैं कि आपने ये नाम रखा क्यों है, तो नाम रखा है हमने इनकी वजह से। इनका नाम है शेख अब्दुल कादिर अब्बासी, इनके नाम पे हमने रखा हुआ है साका फूड्स। आज आपके प्रोग्राम के तवसुस से ये सबको पता चल गया कि ये इसके पीछे जो थी ये स्टोरी थी हमारी। गुलिमार जैसे इलाके में अपने अखराजात को मैनेज करते हुए अपने खुद के कारोबार को शुरू करना बेहद मुश्किल है, और कराची जैसे इलाके में जहां वसाइल की कमी हो और मसाइल ज़्यादा हो, वहां अपना खुद का कारोबार शुरू करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। मगर फिर भी माहम और उनके शोहर ने हिम्मत नहीं हारी। मुश्किलात यही आती हैं, सबसे ज़्यादा तो गैस का प्रॉब्लम है। गैस का इशू तो ये है कि गैस आती नहीं है तो हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, उसी के साथ मैनेज करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, ऑर्डर्स भी इसी तरह हमें मैनेज करने पड़ते हैं। तो समझ लें जब काम करना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। खाना पकाना आजकल के दौर में तो कोई ख़ास बात नहीं समझी जाती, मगर एक मखसूस जगह की एक मखसूस रेसिपी को उठाकर उसको अपने हाथों से सजाना और मुनफरद अंदाज में पेश करना बहुत ही महारत और मुश्किल का काम होता है, और माहम को ये महारत हासिल है। तभी उन्होंने दिल्ली की मशहूर देही कोरमे की रेसिपी को अपनाया और उसे अपने हाथों के जादू से और भी लजीज तरीन बना दिया। रिलेटिव आए थे इंडिया से, तो उन्होंने बताई थी इंडिया में जो बनता है देगी दिल्ली कोरमा, वो इसी तरीके से बनता है और वहाँ पे ऑथेंटिक रेसिपी है ये, तो ये इसीलिए यहाँ पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, तो ये सिर्फ मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी अगर हालात हो तो कभी भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए।